जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, आज मैं सबसे पहले एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूं एयरफोर्स हेडक्वार्टर की, जहां लगभग मैंने 14 मिनट बात की और विषय क्या था कि आज राजस्थान में मेरे नजदीक नीमका थाना में एक बलबीर सिंह तंवर एयरफोर्स के जवान शहीद हो गए और आज बड़ी दुख की बात है कि उनका पार्थिव शरीर एक सिविल ट्रक, जो लोडिंग ट्रक होता है, उसमें रखकर यात्रा उनके घर तक जारी है। जय हिंद सर। जय हिंद। ये सर एयरफोर्स हेडक्वार्टर से बोल रहे हो ना? हाँ। ये सर हमारे मतलब राजस्थान नीमका थाना में एक एयरफोर्स का जवान बलबीर खत्म हुआ था अभी, बलबीर सिंह तंवर। अच्छा, ठीक है। तो आज उनकी बॉडी एक तो नाइट में तो चलो एयरपोर्ट तक आई, उसके बाद में सिविल एम्बुलेंस में उनके थाने में पहुंचा दी गई। ठीक है। अब वहां से उनके गांव तक लोग भाई शहीद के सम्मान के लिए जो यात्रा वगैरह निकालते हैं, तो उन्होंने तो पूरा एयरफोर्स की गाड़ी आती है वहां तक, ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी तो नहीं आई ना सर, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो गलत है, कौन कहां पोस्टिंग कहां थी उसकी? अभी जवान की पोस्टिंग का तो पता नहीं, लेकिन स्टेशन हमारा नियर बाई जयपुर है, वहां से बंदे तो आ गए, बंदे तो आए हैं। ऐसी बात बता दी तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मेरे को सर बाकायदा गाड़ी जाती है गांव तक। जी जी, वो गांव तक उसको वो दी जाएगी क्या? बिल्कुल सलामी देके जब वापस आते हैं जवान के साथ, तो अग्निवीर था या वैसे नॉर्मल? नहीं नहीं सर, मतलब परमानेंट जवान था। अग्निवीर के लिए कुछ चेंजमेंट हुआ है क्या? नहीं अभी तो नहीं हुआ ना, तो वही तो बोल रहा हूँ, मेरे लिए तो नहीं हुआ, पर जवान था तो उसके लिए तो यार ये तो तुमने गलत बात बताई हमें बहुत। अब वहाँ कोई क्या, मैं तो मेरे से मतलब मैं तो ये जवानों के लिए करता रहता हूँ, तो मेरे से करीबन वो 100 किलोमीटर था, तो मैंने वहाँ फोन भी किया भाई मैं आता हूँ, वो बंदों ने धरना दे रखा था, तो वहाँ कोई आपके एयरफोर्स जैसे हमारे आर्मी के कर्नल रैंक का होता है कोई बैठे थे कि भाई मैं कर्नल बताया उन्होंने अपने आपको, तो मैंने पुलिस स्टेशन, हाँ जैसे हमारे कर्नल रैंक का कहाँ पर मिले थे वो मेरे को नहीं मिले, मेरा कोई भाई था वहाँ छोटा, उसने बात की कि थाने में कर्नल साहब आ रखे हैं एयरफोर्स के, तो इनसे बात कर लो, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला साहब वो गाड़ी तो मंगानी चाहिए, लोग बैठे हैं बाहर, तो बोले कि नहीं नहीं आ रही है, पहले तो बोला, मैं बोला आ रही है तो कितनी देर में आ जाएगी, तो बोला अभी आपने जो ये रिकॉर्डिंग सुनी है ये 14 मिनट की रिकॉर्डिंग है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने इस रिकॉर्डिंग के जरिए एयरफोर्स हेडक्वार्टर में उन लोगों के ऊपर कंप्लेंट फाइल करवाई है जिनकी वजह से आज इस जवान का पार्थिव शरीर, जो कि सरकारी गाड़ी में जाना चाहिए था लेकिन एक लोडिंग ट्रक में जा रहा है, इसलिए मैं आज आप लोगों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रिकॉर्डिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जनता को अवेयरनेस करें, ताकि सिविल पॉपुलेशन को भी पता चले कि हाँ ये चीजें लागू हैं और उसके लिए आप लड़ सकते हो। अगर आज आप भी इसको बगैर देखे यहीं छोड़ देते हो या शेयर नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उस शहीद के दोषी हो। और आज इन लोगों पर कंप्लेंट करवाना या इस रिकॉर्डिंग डालने का मतलब यही है कि भविष्य में किसी के साथ, किसी भी शहीद के साथ, उसके अंतिम संस्कार में इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं हो। यहां एयरफोर्स अधिकारी से जब मैंने बातें की तो शुरू में आपने उसकी रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं अधिकारी को बचाते हुए भी नजर आएगा, लेकिन जब मैंने पूरे तरीके से बढ़िया से बात की तो अंत में उन्होंने कंप्लेंट भी नोट की है और कहा है कि हाँ भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि रिकॉर्डिंग को देखकर शेयर जरूर कर दें। इस रिकॉर्डिंग से पहले मैं आपको घटना बता देता हूं, क्योंकि डायरेक्ट मैंने एयरफोर्स हेडक्वार्टर में नहीं, पहले वहां भी बात की है जहां शहीद का सम्मान के लिए धरना जारी था और थाने के अंदर बाहर हजारों लोग बैठे थे और अंदर कुछ गणमान्य लोग थे, जिनमें हमारे एक मेरे छोटे भाई भी वहीं थे, जिसने मेरे को बताया कि सर यहाँ एक एयरफोर्स के कर्नल भी बैठे हैं, आप इनसे बात कर लो। तो मैंने वहां भी बात की और जब वहां सही जवाब नहीं मिला और जब वहां से ये सिविल गाड़ी में जवान का पार्थिव शरीर रवाना कर दिया गया, तब मैंने वहां बात की। और अगर मुझे पता होता कि ये घटना हो रही है तो मैं वहां पहुंचता, वो सारी आप रिकॉर्डिंग में सुन लो कहानी।
कौन भेजोगे कोई भी सम्मान के लिए? थाना में कोई सम्मान के लिए कौन भेजोगे? अभी नहीं, वो एयरफोर्स वाला आएगा तो एयरफोर्स स्टेशन होगा, अपना आर्मी की तरह थोड़ी है। नहीं, एयरफोर्स भी हो चाहिए, एयरफोर्स आ जाए चाहे आर्मी। नहीं, दो थोड़ा साथ में आयोडा है, लेकिन वो जयपुर सारे उनका तो अपना यूनिट हो जाए या ब्रिगेड हो जाए, इनका तो स्टेशन हो है। तो स्टेशन इनको जयपुर तो है एयरफोर्स है। हाँ, तो कर्नल साहब बैठे रहे एयरफोर्स होगी तो वह क्या खजे बोलो, मैंने कॉल कर दिया है, बोले जयपुर जाने के अंदर टाइम लगेगा उसको। तो इनको रात को ही करना चाहिए, नहीं तो देना था तो जब पता है रात को बॉडी आ गई तो इनको मैसेज नहीं मिला था रात को? रात को इनको मैसेज नहीं मिला था क्या? रात को मतलब नाइट में जब इनको पता नहीं था बॉडी आ गई तब तक इनको पता नहीं चला क्या? अभी तक तब से सुबह से गाड़ी नहीं आई इनकी? नहीं, पता तो लग गया था, लेकिन मतलब जी भी टाइम लगता है ना, वो भी तो वैसे ही था ना। तो मतलब आ रही है कोई ऐसे, वो दिक्कत नहीं तो फिर पब्लिक को कह दे भी यार? नहीं, वो पब्लिक को समझा दिया, लेकिन शोर ठंड है इधर से। अच्छा, मतलब आ रही है कोई, वो नहीं है? हाँ, गाड़ों को ना रहा है। अच्छा अच्छा, बात करा करमल साहब, करवा दे ले, पूछ ले, करवा दे, पूछ लेगा। हेलो, हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद। इनके लिए ये गाड़ी वगैरह के लिए बता दिया, आ रही है ना गाड़ी वगैरह? अच्छा, पहले रविंद्र फौजी। हाँ जी, हाँ जी सर, आप रविंद्र फौजी बोल रहे हैं? आर्टिलरी के हैं? मैं सर इंजीनियर का हूँ। इंजीनियर जी। गाड़ी का तो कुछ फूल लगा के गाड़ी कर रहे हैं बंदोबस्त जी, जी। बताया उनको, और जो गार्ड है वो आजमा लिए 5 मिनट में। अच्छा अच्छा, गाड़ी टोली पहुंच गए, गार्ड आ जाएगी। और गाड़ी मतलब सरकारी गाड़ी? गाड़ी का भी हो रहा है कुछ, नहीं तो भी हो रहा है नजदीक नियर। इनको आर्मी को इन्फॉर्म करते तो आर्मी भेज देती है, अगर ऐसा गाड़ी स्टेशन दूर था तो। गाड़ी 407 आ रही है, फुल लगा के बंदोबस्त कर रहे हैं, हो रहा है। नहीं, कोई इसके अपना व्हीकल नहीं आ रहा है सेना का? सरकारी का रविंद्र एक्स सर्जेंट सवाई सिंह मीणा बोल रहा हूँ। बहुत सारी तैयारी हो चुकी है, मामला कंट्रोल में है, शांति से, कोई हंगामा वाली बात ही नहीं है। जी जी जी। नहीं, आर्मी का व्हीकल या एयरफोर्स की गाड़ी आ रही है? नहीं आ रही, एयरफोर्स की गाड़ी आ रही है, जिसमें हमारे जयपुर से जवान आए वो गाड़ी आ रही है, लेकिन ओपन के लिए हमने अपना एक ट्रक यहाँ से मैनेज कर दिया है, उसको सजा करके हम सम्मान के साथ अपने भाई को गाँव तक लेके जाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं करना किसी को भी। नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं भाई, आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। डिसिप्लिन सोल्जर, यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन, यू आर द सोल्जर, डोंट फॉरगेट योर डिसिप्लिन। ओके ओके सर, आप इनको बोलो साहब को, बाहर पब्लिक को भी एक बार सूचना दे देंगे गाड़ी आ रही है। ये उस क्षण होता है उस शहीद के लिए जो दोबारा नहीं आ सकता। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम रीटेक नहीं कर सकते। गार्ड ऑफ ऑनर और गाड़ी में उसकी अंतिम विदाई, आप कभी भी इस जन्म में पॉसिबल नहीं कि वो दोबारा हो जाए। और इसके लिए मैंने कई बार लड़ाई लड़ी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, हर जगह, हर फोर्स के अंदर। इन चीज हेलो, हाँ सर, जय हिंद सर। जय हिंद। ये सर एयरफोर्स हेडक्वार्टर से बोल रहे हो ना? हाँ। ये सर हमारे मतलब राजस्थान नीम का थाना में एक एयरफोर्स का जवान बलबीर खत्म हुआ था अभी, बलबीर सिंह तंवर। अच्छा, ठीक है। तो आज उनकी बॉडी एक तो नाइट में तो चलो एयरपोर्ट तक आई, उसके बाद में सिविल एम्बुलेंस में उनके थाने में पहुंचा दी गई। ठीक है। अब वहाँ से उनके गांव तक लोग भाई शहीद के सम्मान के लिए जो यात्रा वगैरह निकालते हैं तो उन्होंने तो पूरा एयरफोर्स की गाड़ी आती है वहाँ तक, ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी तो नहीं आई ना सर, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये तो गलत है, कौन कौन कहाँ पोस्टिंग कहाँ थी उसकी? अभी जवान की पोस्टिंग का तो पता नहीं, लेकिन स्टेशन हमारे नियर बाई जयपुर है, वहाँ से बंदे तो आ गए, बंदे तो आए हैं। ऐसी बात बता दी तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मेरे को सर बाकायदा गाड़ी जाती है गाँव तक। जी जी, वही गांव तक उसको वो दी जाएगी क्या? बिल्कुल सलामी देके जब वापस आते हैं जवान के साथ, तो अब वही वीर था या वैसे नॉर्मल?
नहीं नहीं सर, मतलब परमानेंट जवान था। अग्निवीर के लिए कुछ चेंजमेंट हुआ है क्या? नहीं अभी तो नहीं हुआ ना, तो वही तो बोल रहा हूँ। अग्निवीर के लिए तो नहीं हुआ, पर जवान था तो उसके लिए तो यार ये तो तुमने गलत बात बताई हमें बहुत। अब वहाँ कोई क्या, मैं तो मेरे से मतलब मैं तो ये जवानों के लिए करता रहता हूँ, तो मेरे से करीबन वो 100 किलोमीटर था। तो मैंने वहाँ फोन भी किया भाई मैं आता हूँ, वो बंदों ने धरना दे रखा था। तो वहाँ कोई आपके एयरफोर्स जैसे हमारे आर्मी के कर्नल रैंक का होता है कोई बैठे थे कि भाई मैं कर्नल, बताया उन्होंने अपने आपको। तो मैंने पुलिस स्टेशन, हाँ जैसे हमारे कर्नल रैंक का कहाँ पर मिले थे वो मेरे को नहीं मिले। मेरा कोई भाई था वहाँ छोटा, उसने बात की कि थाने में कर्नल साहब आ रखे हैं एयरफोर्स के, तो इनसे बात कर लो। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला साहब वो गाड़ी तो मंगानी चाहिए, लोग बैठे हैं बाहर। तो बोला कि नहीं नहीं आ रही है पहले, तो बोला मैं बोला आ रही है तो कितनी देर में आ जाएगी? तो बोला मतलब बंदे तो मैंने मंगा दिए हैं, बस आ रही है हमारी और गाड़ी यहाँ हम करवा रहे हैं बाहर से। मैं बोला बाहर से क्या? बोले मैंने 25,000 कह दिया कि 25,000 हम दे देंगे कि तुम सिविल ट्रक कर लो। फिर मैंने बोला सर जी बोलो करना। हाँ बताओ। हाँ जी सर, तो उन्होंने बोला कि पर अभी नहीं, अभी जवान कहाँ ये बताओ। अब तो सर ये है कि मैं, मेरे को तो ये कह दिया गया तो मैं तो गया नहीं वहाँ, और मैंने अभी पूछा भाई गाड़ी गई होगी। आप गाड़ी नहीं सकता, देखो मैं यही तो कह रहा हूँ कि गाड़ी नहीं गई, सिविल ट्रक एक लाकर उसको सजा कर उसमें बॉडी उनके घर ले जाई जा रही है। हालांकि चलो सिविल ट्रक आया होगा, पर उसमें एयरफोर्स के जवान भी होंगे, और जवान तो अब आ रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं। जवान तो पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या है कि लोगों जवान भी पहुंचेंगे, ऑफिसर भी पहुंचेगा। जी जी, लेकिन मैं तो सिर्फ मैंने इसलिए आपसे गाड़ी के लिए पूछा कि गाड़ी आती है कि नहीं आती, क्योंकि हमारी गाड़ी नियरेस्ट एयरफोर्स स्टेशन से आएगी जहाँ से वो आ रहे हैं, जो आप बता रहे थे ना, और जवान आ रहे हैं बाकी आगे, वो तो बाकी जवान आ रहे हैं। वो तो आपकी जो वो बस नहीं होती क्या, छोटी वाली मिनी बस? देखिए गाड़ी नहीं होगी, गाड़ी नहीं होगी तो फिर वो जो हायर करेंगे गाड़ी प्राइवेट भी, वो प्राइवेट गाड़ी को अभी जो किराया विराया होगा सब एयरफोर्स ही वहन करेगी। बात सर, पर उसके साथ 5 से 7 जवान 7 से 8 जवान भी होंगे, एक ऑफिसर रैंक का आदमी होगा, है ना। वो गाँव में जाएंगे, सब कुछ अंत्येष्टि वगैरह सब कुछ प्रॉपर उससे होगी, और उसके बाद वो वापस आएंगे। मैं सर देखो, मैं आपसे जो मैंने बात इसलिए मैंने पूछा था फर्स्ट में कि गाड़ी आती है कि नहीं, और आपने भी ये चीजें एक्सेप्ट की हैं कि नहीं नहीं गाड़ी आती है, आती है। हाँ, ये तो यहाँ गाड़ी, यहाँ गाड़ी नहीं आई है। मतलब सवाल ये है कि लोग क्या सिविल पॉपुलेशन जो उसके गांव मतलब थाने से जहाँ है सिटी और वहाँ से करीबन 8-10 किलोमीटर का जो सफर है उसमें हजारों लोग, आपने देखा अभी? हाँ मैंने वही तो बोला कि मेरे से जो दूरी है वहाँ से मेरा भाई छोटा भाई वही है, तो उसने मेरे को अब बताया कि मैं बोला कहाँ गाड़ी आ गई क्या? बोला नहीं भाई साहब वो सिविल ट्रक में ही मतलब लोग बैठे भी थे, लेकिन अब मैं तो उनको कहा था कि मैं आ जाऊंगा अगर जरूरत पड़ती तो, गाड़ी नहीं आती है तो। ये सिविल ट्रक कैसा है, कौन सा वाला है? ये जो अपना नॉर्मल जो ट्रक होते हैं, हाँ जो नॉर्मल ट्रक नहीं होता है माल ढोने वाला, ऐसे ट्रक में बस वो भी उसमें हमारे दो बहन जी। हेलो, हाँ सर, हाँ बताओ। हाँ तो अब वो सिविल ट्रक में ही मतलब जा रहे हैं, खैर लोग तो एग्री हो गए, लेकिन ये एक शहीद का मतलब जो एक तरह का हमें तो मतलब देखो एक मेन ये होता है, देखो शहीद का मैं बता रहा हूँ, मेन क्या है, आप जो भी परिवार है परिवार को कोई परेशानी ना हो, उनको कोई वो ना हो, चाहे गाड़ी हायर करनी पड़े चाहे अपनी लानी पड़े, ठीक है, वो सब एयरफोर्स ही करेगी, और उसके साथ जो 8-10 जवान होंगे और जो ऑफिसर रैंक के होंगे वो साथ में जाएंगे, लास्ट तक साथ में रहेंगे, और बाद में वो वहां से आएंगे। तो ये प्रॉपर तो हो रहा है ना प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल तो हो रहा है ना, इसलिए मैंने सर आपसे पूछा था कि भाई गाड़ी आएगी या नहीं। देखिए हाँ, मैं वही आपने पहले बताया नहीं कि उन्होंने सिविल ट्रक हायर किया है, ठीक है, पहले आपने ये आपने भी नहीं बोला ये बात, कोई बात ठीक है, आपने बोला कि तो गाड़ी होती है पहले, अगर गाड़ी ना हो बाई चांस तो गाड़ी हायर करती है फिर नहीं तो एक सही हायर करती
यहाँ नजदीक इतना बड़ा स्टेशन है क्या, उसमें पहली बात तो गाड़ी है नहीं। कहाँ है नजदीक बताइए? जयपुर है। कहाँ पर? जयपुर, जहाँ से बंदे आए वहीं से, मान लो जहाँ से गार्ड आई है तो वहाँ से एक गाड़ी आई है तो गार्ड भी तो किसी गाड़ी में आई होगी। वो खुद की जो अपने ये छोटी वाली गाड़ियाँ नहीं होती बैठने वाली मिनी बस वगैरह, वो लेके आए हैं। तो एक ALS वगैरह भी साथ आ सकता। हाँ, तो वो जब उसमें आए तो एक ALS भी आ सकती थी, अगर बाई चांस एयरफोर्स के पास नहीं थी तो नो किसी। आप ऐसा करिए ना, आप ऐसा करिए, इस बात को जो आप कटहल रंग के जो आदमी बता रहे हैं ना, आप एक बार उनसे बात करिए, उनसे बात करिए, ठीक है? उनसे तो मैंने कर, उनसे तो मैंने बात कर ली ना, वो तो ये बोल रहे हैं कि आ रही है, आ रही। पहले तो बोल रहे थे कि हम मंगा रहे हैं, रुक जाओ, कोई हंगामा मत करना। मैं बोले हंगामा वाली बात नहीं है, लोग रिस्पेक्ट के लिए बाहर खड़े हैं, आप तो उनको समझा दो। एक आपके कोई एक्स सर्जेंट भी थे मेरी, उनसे भी बात की गई, वो क्यों, वो तो खैर मेरे को जानते हैं। बोले रविंद्र जी हाँ उल्लड़ मत करना, हम मंगा रहे हैं और सम्मान से ले जाएंगे। मैं बोले इस बात सम्मान की और उसकी नहीं है, वो तो बात पैसे की, कोई 20-25 हज़ार बड़ी भी नहीं हो तो 5 किलोमीटर के लिए हम भी गाड़ी कर देंगे सिविल तो। लेकिन एक लोगों का जो दिखता है वो क्या है कि गाड़ी के लिए होता है, और अगर स्टेशन नजदीक नहीं हो तो, स्टेशन नजदीक नहीं हो तो हम स्टेशन कमांडर साहब को बोल के आर्मी की गाड़ी आ जाती हो, तो इतनी गाड़ियां चल रही हैं तो हमारे एक कम से आर्मी की भी आ जाती, आर्मी की भी आ जाती। मैं खुद सर पूंछ, आर्मी की भी आ जाती। मैं पूंछ में था, आपका एक डेट था, मैं पूंछ में था, तो हमारे मतलब जब वहाँ हेली से जाता था बाकी चीज तो, लेकिन कभी कभी मौसम खराब होता था तो हमारी गाड़ी डीजल वगैरह सब कुछ छोड़ के आती थी वहाँ, तो सब तालमेल होता रहा। अब तो वैसे भी सीडीएस उनसे जब बात की, जो आप बता रहे थे कर्नल रैंक वाले से, जो उनसे बात करी अधिकारी से, तो उन्होंने क्या बोला? मैंने बताया ना, उन्होंने तो मेरे को ऐसे गोलमोल कर दिया। पहले तो बोला कि गाड़ी कर देंगे, नहीं गाड़ी आ रही है, पहले तो बोला गाड़ी आ रही है, बाद में बोला कि हमने क्या इधर ही पैसा देके यहाँ गाड़ी को सजवा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं बोले सब सिविल गाड़ी को सजाने का और सिविल गाड़ी में जाने में भाई बहुत दिक्कत आती है, या तो कई बार एक ऐसे बहुत से केस आए हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक बार आर्मी का एक लड़का शहीद हुआ था, तो वो क्या सुसाइड केस था, तो उसमें उन्होंने ना तो बंदे भेजे थे ना गाड़ी, तो फिर मैं वहाँ भी उसमें गया था, एक दिन पूरा दिन बॉडी मतलब 24 घंटे थाने में रखी रही थी। फिर हमारे भी दो अधिकारी साहब आए थे कि नहीं हम इस केस में देते नहीं है, लेकिन उस केस के बाद मैंने खुद वहाँ धरना देखा। मान गया है ना? जी जी, नहीं परिवार तो मान जाता है, लेकिन अभी की तो बात है, लेकिन वहां भी हमने बैठ के, और फिर जयपुर से गाड़ियां भी आई और गार्ड भी आई, उसके बाद हमने डिफेंस मिनिस्ट्री में भी लेटर दिया। अभी, अभी 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 जो आप बता रहे सवाल साहब, उनके तो परिवार मान गया है ना? नहीं, बात परिवार की थोड़ी होती है, जो हजारों लोग आए हैं वो शहीद के लिए आते हैं, परिवार परिवार को तो बाद में जो मिलना है सब कुछ मिलता है, नहीं मिलेगा वो शहीद जैसा तो पूरा उनको दिया जा रहा है ना सर, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसलिए मैंने आपको देखो शुरू में मैंने आपसे बात की तो आपने खुद ने कहा कि नहीं गाड़ी आनी चाहिए थी, गाड़ी होती है, बट मैंने फिर अभी बाद में ये भी बोला ना, जब मैंने आपने बोला कि सिविल, तो मैंने ये भी बोला ना कि जो सिविल ट्रक भी हायर करेंगे वो नहीं करेंगे, ये बात भी उनको जो सहूलियत लगेगा, जो सहूलियत लगेगी वो करेंगे वो। तो मैं सिर्फ आपसे मैंने ये, चलो मैं आपकी बात से सहमत, मैं ये नहीं बोला था ना कि उन्होंने सिविल गाड़ी हायर की है, अगर आप शुरू में ये बोलते तो मैं शुरू में ही आंसर देता आपको ये। जी चलो मैं समझ गया, आप एक तो मेरे को इतना बता दो कि आप ऑफिसर रैंक से हैं या ओआर से हैं? आप बात कर रहे हो मेरे से, आप ऑफिसर रैंक है आपका कि ओआर रैंक है? कहाँ से ये तो हम बता ही नहीं सकते ना। चलो मत बताओ, तो मैं इतना कह रहा हूँ कि आनी चाहिए थी या नहीं है, भविष्य में आने के लिए मेरी ये कंप्लेन आप नोट कर सकते हो या मैं मतलब फिर इसको ये आपकी। हाँ नहीं आपने ये सही बात। हाँ आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सर रविंद्र सिंह शेखावत। हाँ आपका नंबर, टेलीफोन, टेलीफोन नंबर मेरा 8290। हाँ 8290 हो गया। हाँ 3545131। हाँ ठीक है। अब आप अपनी कंप्लेंट, तो ये आपकी कंप्लेंट जो मैंने ये समझा जी, अपने सर्विस की गाड़ी होना जरूरी है। हाँ किसी भी शहीद पर्सन के लिए सर्विस की गाड़ी जरूरी है, ताकि लोग क्या प्राइवेट गाड़ी को हायर ना करें। हाँ क्योंकि इस अब इसमें यहाँ लोग 8 बजे का टाइम था, जो 3 घंटे धरना दिया लोगों ने। आपकी बात समझ गया जी। सर्विस व्हीकल प्रोवाइड, ठीक है।
और जो ऑफिसर रैंक के आए हैं वो कहाँ से आए हैं बताएंगे? ये नियर बाई जयपुर स्टेशन है सर। नहीं, जयपुर में दो तीन स्टेशन है, दो। अब ये आए हैं? अब ये तो मेरे को पता करना पड़ेगा सर। ये तो आप भी मान लो हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर नहीं, नाम तो वो सर जैसे आप नहीं बता रहे वैसे उन्होंने भी मेरे को सिर्फ नाम नहीं बताया। नहीं, सिविल ड्रेस में थे? हाँ, नहीं नहीं, वो मैं अब वो तो मेरा जो भाई था उससे दोबारा मेरे को कॉल करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई ने फोन पे बात करवाई थी मेरे से उनसे। मैं वहाँ होता तो मैं तो अभी तक बैठा रहता, फिर मैं पहले ही आपको ही कॉल करता और फिर मंगाते गाड़ी अपने हिसाब से। आप वहीं से वहीं बात कर लेते ना उसी टाइम, मैं गाड़ी आ भी जाए। मेरे को तो उनमें उन्होंने विश्वास में डाल दिया ना, वो ये बोल रहे थे गाड़ी आ रही है, टेंशन मत करो आप, मतलब आने की जरूरत नहीं है आपको, हम मंगा रहे हैं गाड़ी, ये बोल दिया मेरे को। नहीं, अगर आप वहाँ होते तो शायद आ भी जाते। मैंने कहा ना, मैं तो मैंने आपकी एक कंप्लेंट लिख ली है जी, है? पर अगर आप उनका नाम और बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नाम भी मैं सर अभी उनका एक बार उस बंदे से बात करके दोबारा के भाई साहब से बात करा देंगे, तो मैं उनका नाम, दो बंदे तो उसके यूनिट से आए हैं जो परमानेंट बंदे के साथ आए थे, और अब गार्ड आई है जयपुर से आए हैं। हाँ, किस रैंक के हैं वो भी बता देना। हाँ, मैं उनका पूरा प्रॉपर नाम और वो रैंक अभी पूछ लेता हूँ। गाड़ियों का रैंक क्या है? तो पूछ के मैं आपको कॉल करूँ इसी नंबर पे करूँ या? इसी नंबर पे कर लीजिए। इसी नंबर पे, ठीक है? ठीक है सर, कंप्लेंट नोट कर देना, नहीं तो फिर मैं हमारे पास क्या इस चीज को, फिर इसको हम जी 90355। और मैं इस चीज को, इन चीजों को हम एक चीज और कह रहा हूँ मैं आपको कि इन चीजों को हम मीडिया में भी डालना चाहते हैं, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस आए कि अगर ऐसी कोई चीज आती है तो हम कंप्लेंट भी कराते हैं और आगे से भविष्य में ना हो। ठीक है सर, आपने नाम तो बताया नहीं, इसलिए मैंने ना, मेरे को नाम की जरूरत है। एक सेकंड आप और होल्ड करेंगे? हाँ हाँ, मैं जहाँ से होता है वहाँ भी एक बार बात करा देता हूँ सेरेमोनियल से। हाँ हाँ, ठीक है जी, होल्ड कर। रिंग बैक करना सर, इतने मैं उनका पता कर लेता हूँ। ठीक है, जैन सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, आज मैं सबसे पहले एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ एयरफोर्स हेडक्वार्टर की, जहां लगभग मैंने 14 मिनट बात की, और विषय क्या था कि आज राजस्थान में मेरे नजदीक नीम का थाना में एक बलबीर सिंह तंवर एयरफोर्स के जवान शहीद हो गए, और आज बड़ी दुख की बात है कि उनका पार्थिव शरीर एक सिविल ट्रक, जो लोडिंग ट्रक होता है, उसमें रखकर यात्रा उनके घर तक जारी है। आज मैंने उस रिकॉर्डिंग के द्वारा एयरफोर्स हेडक्वार्टर को कंप्लेंट की है और उनको कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। हालांकि उन्होंने कहा है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, हमारा कोई भी शहीद होता है तो हम गाड़ी भेजते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज आप इस रिकॉर्डिंग को सुनकर शेयर जरूर करेंगे, ताकि भविष्य में किसी भी शहीद जवान के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो। अंतिम क्षणों में जो सेना, एयरफोर्स या जिसकी भी विभाग की जो गाड़ी है, उस विभाग में अगर शहीद जाता है तो जनता के अंदर और उस शहीद का सम्मान बढ़ता है। लेकिन आज इनके साथ नहीं हो पाया, और उसका कारण है कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, कुछ ऐसे लोग, हालांकि जनता, सिविल जनता वहां धरना दे रही थी 3 घंटे से, 8 बजे इनका पार्थिव शरीर नीम का थाना से रैली का प्रोग्राम था और हजारों की संख्या में वहां बैठी थी, और सिविल जनता ने आवाज उठाई कि हमें इनका गार्ड ऑफ ऑनर और गाड़ी सरकारी चाहिए।
वहां की सिविल पॉपुलेशन लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ हमारे ही, अब उनको मैं क्या कहूं, या तो बहुत ज्यादा समझदार हैं या फौज की भाषा में एक होता है चटकू आदमी होता है, उन लोगों ने उन जनता को कैसा मतलब मॉडिफाइड किया, समझाया और घुमा फिरा के आज सिविल ट्रैक में उनकी बॉडी जारी है। उन लोगों की वजह से आज एक शहीद को जो सम्मान, मैं इस चीज के लिए मैंने बहुत बार लड़ाई लड़ी और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि बाद में उसके परिवार को नौकरी मिलना नहीं मिलना, उनके परिवार को क्या क्या बेनिफिट मिलना है, इस चीज के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन यह उस क्षण होता है उस शहीद के लिए जो दोबारा नहीं आ सकता। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम रीटेक नहीं कर सकते। ये गार्ड ऑफ ऑनर और गाड़ी में उसकी अंतिम विदाई आप कभी भी इस जन्म में पॉसिबल नहीं कि वो दोबारा हो जाए, और इसके लिए मैंने कई बार लड़ाई लड़ी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, हर जगह हर फोर्स के अंदर इन चीजों के लेटर करके सब कुछ करके और सबको सख्त हिदायत दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कमियां आती है, और इसी वजह से आज मैं ये रिकॉर्डिंग जनता की अवेयरनेस के लिए और भविष्य में इस तरह का ना हो ये रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं। अब आप लोगों का फर्ज है कि उन चंद लोगों की गलतियों की वजह से एक शहीद का सम्मान सही तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन आज अगर इस रिकॉर्डिंग को अगर पूरे देश के हर एक कोने में पहुंचाते हो तो भविष्य में कोई भी इसकी जानकारी हासिल करके फोन कर सकता है, और इस तरह अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वो खुद बात करें या हमारे तक भेजें। मैं मेरे हर वीडियो में नंबर देता हूं, आज भी दे रहा हूं 82 90 35 45 13, ये मेरा फोन नंबर है, कोई भी कैसे भी कॉल करके मेरे तक अगर ऐसी कोई समस्या आती है आप भेजोगे तो मैं उसकी लड़ाई जरूर लड़ूंगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि ये जवान जो कल शहीद हुआ इसकी सूचना मुझे थोड़ा देर से पता चली, और जो उसका टाइमिंग था उन्होंने कहा कि 8 बजे इनके अंतिम संस्कार की रैली निकल जाए, मेरे से लगभग 100 किलोमीटर के दूरी पर है, तो मैंने यही कहा कि भाई सुबह 8 बजे, क्योंकि एक तो टाइम से मुझे पता नहीं चला 8 बजे तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने अपने सोशल साइट वगैरह पे पोस्ट देकर उस जवान को श्रद्धांजलि दे दी थी। लेकिन मुझे बाद में पता चला, वहां मेरा छोटा भाई जो गया हुआ था उसने बताया कि यहां तो धरना चल रहा है भाई। कारण क्या है कि सिविल जयपुर एयरपोर्ट तक तो उसकी गाड़ी बाई एयर आई वो बॉडी, और उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट से थाने में सिविल एम्बुलेंस में भेजी गई, हालांकि वो रात का समय था कैसे भी भेज दी, लेकिन नियम ये बनता है कि इसको वहीं जयपुर में रुककर और सुबह वहीं से एयरफोर्स स्टेशन से सरकारी गाड़ी में बॉडी को यहां लाना चाहिए था, जो कि इनके अधिकारी आज मान भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, या तो जो उनके कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके ग्रुप कैप्टन साहब हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, फर्स्ट रोल होता है जहां वो पोस्टिंग था और उनके ग्रुप कैप्टन या उनके कमांडिंग ऑफिसर का, वो नियर बाई स्टेशन को उनके अधिकारी को इन्फॉर्म करते हैं, अगर उनको इन्फॉर्म कर दिया और वो सिर्फ गार्ड तो आ गई 8-10 बंदे आए हैं गार्ड के अपनी उनकी जो एयरफोर्स की जो मिनी बस होती है उसमें बैठकर, तो एक एएलएस गाड़ी सरकारी वाहन लाने में क्या दिक्कत थी, उसमें भी एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर आता, पीसफुल स्टेशन है, ये भी नहीं है कि कहीं आपको अलग से क्यूआरटी वगैरह भेजनी थी, लेकिन आपने नहीं भेजी, या फिर इनको बताया नहीं गया, और खासकर जो जिनसे मैंने बात की जो अपने आपको अधिकारी बता रहे थे वो जो मेरे को टाड़म टोल जवाब दे दिए आ रही है फलाना, अगर वो मुझे समय पर बता दे गाड़ी नहीं आ रही है तो मैं यहां से पहुंचकर बैठता। आपको याद होगा झाड़ली का शहीद हुआ था विक्रम यादव, हालांकि उसको सीओ ने उनकी बटालियन ने डिक्लेयर कर दिया था ये तो सुसाइड है हम सम्मान नहीं देंगे, ऐसे भी बहुत से केस आए, उनके लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी और उनके लिए भी मैंने ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रक्षा मंत्री में हर जगह ये पॉइंट उठाया कि जब आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं होती है, जब तक आप उसको कंप्लीट करके डिसीजन नहीं लेते हो तो आप कैसे बगैर उसमें डिसीजन लेकर कह देते हो कि सुसाइड है या जो भी है, और है तो कुछ भी है, कोई ये तो नहीं खुशी खुशी से खुदकुशी करता है, पता नहीं किस समस्या से, फोर्स के अंदर की समस्या थी और समस्या थी, आप उसकी वजह से उसका सम्मान कैसे रोक सकते हो।
जिस आदमी ने आपके यहाँ 5 साल 10 साल या 20 साल सेवा की है, आप उसकी पेंशन और उसके बेनिफिट उसके सेवा के बदले देते हो, तो सम्मान क्यों नहीं देते? और इन बातों पर वहाँ के अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे हुए लोग, बाकी सभी डिपार्टमेंट के लोग, हाँ कि भाई देना चाहिए। और तब से लगातार लगभग अभी 2 साल हो चुके हैं, हर जगह ये मिलता है, लेकिन कुछ चीजें हमारे पास पहुंचती नहीं। कुछ हमारे पुराने लोग जो अभी भी गाँव में है, संगठन बनाकर बैठे हैं, अपने आप को पता नहीं फन्ने का समझते हैं, वो रटी रटाई, अरे नहीं नहीं सेना इसमें तो देती नहीं है, फलाना ढिगड़ा, ये भी रहा कृपा कर कर देते हैं। मतलब उनसे कुछ होता नहीं, कोई कर रहा है जब उनको कहता है, मैं कहता हूँ होता है, तो बोलेंगे अरे नहीं ये तो ऐसे ही है, लेकिन हमने करवाया है और अब हर जगह हो रहा है। और यहाँ तो ये बंदा ऑन ड्यूटी पर जो कि शहीद हुआ है, तो इसको तो सारा सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें भी कहीं ऐसे ही ढुलबुल लोगों की ढुलबुल सोच, या फिर वही डर जो अंदर डिसिप्लिन वहां बैठे रहते हैं, चमचागिरी वाली भू या बस चटकू बनने की हरकतें इस जवान को सम्मान नहीं दिला पाई। और जब हम लड़ते हैं तो लोग हमें तो क्यों, लड़ने और मरने वालों को तो लोग पागल समझते हैं, क्या होता है ऐसे बोलता है, कुछ नहीं होता। हम हर चीज के लिए लड़ते हैं, कोशिश करते हैं लोग कुछ भी समझे, लेकिन हम दिल से लड़ते हैं और इन चीजों पर हम कार्रवाई करवाते हैं। अरे हमारे लड़ने के बाद कम से कम ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमने तो एक ही चीज सीखी है कि चाहे हार हो या जीत, लड़ो जरूर, कल दिल में ये मत रखना कि मैंने कोशिश नहीं की। कायर 100 बार मरता है और बहादुर 1 ही बार मरता है, तो उस बहादुरी की तरह हर गलत चीज से लड़ोगे तो गलत चीजें ठीक होंगी। आज उनके हेडक्वार्टर ने माना है, 14 मिनट की रिकॉर्डिंग में आप देख लेना, हालांकि रिकॉर्डिंग जब शुरू होती है तो स्पष्ट कहते हैं कि हाँ ये तो यार होना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती है फलाना ढिगड़ा, लेकिन जब उनको मैंने नाम ले दिया कि वहां आपके एक अधिकारी बैठे थे, उनकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि अधिकारी अधिकारी का पक्ष लेने के लिए मुझे घुमाने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई, यार अगर ऐसे होगा तो इसके लिए फिर दोबारा हम एयरफोर्स हेडक्वार्टर को और उनको चिट्ठी भी लिखेंगे उनके परिवार की तरफ से, उनसे भी। हालांकि इस रिकॉर्डिंग में उन्होंने ये भी कहा कि परिवार सहमत हो रहा है तो आपको क्या करना है, बात परिवार की नहीं है, बात वो हमारे शहीद सैनिक भाई की है, परिवार को जो मिलना है नहीं मिलना है वो परिवार की जिम्मेवारी है, परिवार उसके लिए लड़े या न लड़े, लेकिन हम हमारे उस भाई के लिए हर एक जगह जहां भी अन्याय होता है सैनिकों के लिए रविंद्र पोजी लड़ता है, लड़ता रहेगा। और आप लोगों को भी कहूंगा, कुछ नहीं कर सकते तो इस चीज को शेयर कर देना, ताकि भविष्य में किसी जवान के साथ ना हो, और ये हक मिलना चाहिए और वो मिले हर जगह। हमारे जवानों को वैसे जीते जीतो जो ऑथराइजेशन है गाड़ियों की, छुट्टी टीडी हर जगह बाकायदा कानून है कि जवान को स्टेशन तक गाड़ी छोड़े और किसी भी काम में उसका जो भी जहां लागू है उसको गाड़ी मिले, लेकिन गाड़ियों का खासकर हमारी सेना या इन पैरामिलिट्री फोर्स में इनमें अफसर ही मजे ले रहे हैं, उनके बच्चे कुत्ते और पता नहीं कौन कौन घूम रहे हैं, तो वो तो चल ही रहा है, जिंदा आदमी तो हमारा रो ही रहा है, हर चीज से लड़ रहा है, चाहे वो सहायक प्रथा के लिए लड़ रहा हो, क्योंकि आज भी सेना और पैरामिलिट्री में वही पूर्ण पुलिस कुत्ता घुमाना, उसके लिए तो मैं लड़ ही रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा उसमें तो तुम साथ पता नहीं दोगे नहीं दोगे, लेकिन शहीद के लिए अगर तुम्हें लगता है तो कम से कम उसके लिए तो जनता मेरा साथ दे, और इस चीज को वीडियो को शेयर जरूर कर दे। और इन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि अधिकारी अधिकारी का पक्ष, मैं आपके रिकॉर्डिंग डालने का पर्पज ये नहीं कि मैं आपको कहीं इसमें टॉर्चर करना चाहता हूँ या आपकी कमी दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये चीज अगर पब्लिक में है तो पब्लिक जागरूक हो और भविष्य में वो एक्शन ले, और आपके हेडक्वार्टर को भी ये चीजें पता चले कि भविष्य में ऐसा ना हो, या वो कमांडिंग ऑफिसर जो बैठा हुआ है उसकी जिम्मेवारी हो वो भूल गया हो तो उसको भी याद रहे। इसलिए आज मैं ये रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग और ये वीडियो तभी सक्सेस होगा तब आप इसको ज्यादा से ज्यादा मूव करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।